हम गुसाई ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। आज हम गांव जा रहे हैं पूजा में और तुंगनाथ की बहुत बड़ी पूजा है, तो आप देखते रहिए, चलते हैं साथ में और साथ में बने भी रहिए हमारे साथ। तो तुम चलो चलो बैठो बैठो। तो ये हम अपने घर से निकल चले हैं, ये रुड़की टू गुइन गांव। चलो ये मम्मी जी और भैया जी भी बैठ रहे हैं गाड़ी में उनके साथ, उनको वॉमिटिंग की बहुत समस्या है, फिर भी चलिए देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। चलिए ये मुकेश भैया भी जा रहे हैं हमारे साथ, पापा जी खड़े हैं, पापा जी जा नहीं पाए क्योंकि पापा जी के मित्र नहीं जा पाए तो गाड़ी छूट गए। और पापा जी को थोड़ा फीवर भी हो रहा है, तो ठीक है पापा जी, ओके बाय। ओके 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 चलो तुंगनाथ देवता। तो ठीक है, तो जय हो तुंगनाथ देवता की, और चलिए हम चलते हैं। ओके फिर जय। और ये हम पहुंच गए हैं नंदा कॉलोनी के हाईवे पे। अच्छा ये यूपी का पूर्व वाला है ना भागीरथी, ये यूपी का नया बना और उत्तराखंड को जब काली गाड़ी लाओ तब सवारी नहीं मिलती यहाँ। और अब हम कोटद्वार पहुंचने वाले हैं, पाँच मिनट में पहुंचने वाले हैं। कहाँ इधर को जाना है? सुन कर देखो देख, अच्छा कुछ नहीं लेना कभी कम इस पे हो गया। और ये हम कोटद्वार में बालासोर वाली रोड पे पहुंच चुके हैं। और ये हम अपने घर में कोटद्वार में पहुंच चुके हैं, और चलिए अंदर चल के मिलते हैं। और ये हम अब कोटद्वार में पहुंच चुके हैं। थोड़ा गरम हो जाओ साहब। कोटद्वार का झंडा चौक क्रॉस कर लिया है।
और अब हम काशीरामपुर तला मामी जी के घर में पहुंच चुके हैं और ये पहुंच गए हैं। ये हमारी मामी है, ये छोटी सिस्टर, ये सभी लोग। और अब हम मामी के घर आए थे और यहीं से हम अब गांव की तरफ जा रहे हैं, गांव को रवाना हो जा रहे हैं, मतलब कि पूजा की तरफ। तो चलिए फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और पहाड़ों की तरफ। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ तो फिर चलें। फिर यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जाने का मन नहीं कर रही थी। मन ही नहीं कर रहा है, हमें 2-3 घंटे हो गए इधर ही मामी के घर में। चलो और अब दुर्गा देवी आने वाला है। जो लोग जानते होंगे तो उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मोबाइल हैंग। जय हो। मैं अभी तो ये लगभग अच्छी कंडीशन में है, सारे देखिए हंस रहे हैं। कोई आगे चल के देखते हैं। देखते हैं आगे का माहौल कैसा रहता है। के पास में पानी की धार आ गई है और इस धारा में माना जाता है कि इसमें हाथ मुंह धोने से पूरा जो सफ़र है हमारा सफल होता है और बहुत अच्छी यात्रा होती है। तो आप देख सकते हैं, बस हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे पहुँच गए। भाई ठंडा पानी है। चल यहाँ पे पानी किसने नहीं पिया और जिसने मुंह नहीं धोया तो फिर ये डाडा मंडी चला गया, उस तरफ को निकल जाता है डाडा मंडी और इस तरफ को, और ये तारकेश्वर रोड आ गई है। ये देखो कितने मस्त नज़ारे हैं। और ये हम कहाँ पे पहुँच गए हैं लगभग, घूमखाल ना, ये हम घूमखाल वाले एरिया में हम पहुँच चुके हैं। और आप हवा देख रहे होंगे कितनी कितनी मस्त हवा। और देखो एसी चलाओ, देखो एसी भी फेल कर दी है इस हवा ने। देखो कितनी हवा, यहाँ वो सुकून है जो आपके एसी में भी नहीं है। एसी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ काफी रोड पर बड़ी अच्छी आती है फोटो। हेलो, देखो ये देखो जंगल, देखो देख रहे हो आप लोग कितने मस्त लग रहे हैं। ये सारे चीड़ के पेड़ है। और मैं आपको नीचे का नज़ारा भी दिखाती हूँ इसके। इधर देखो, ये भी देखो, ये सेट बना हुआ है, कुछ ऑफिस वगैरह बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। और यहीं रहना चाहते हो क्या आप? यस। ओ गजब।
ओ गजब देवताओं की भूमि है, देवभूमि है। हाँ ये सही बोल रहे हो, देवताओं की भूमि देवभूमि है। और हम जहाँ जा रहे हैं आज रात को, वहाँ देखिएगा पूरा मंडाण लगेगा, देवी देवी देवताओं के दर्शन होने वाले हैं। बस चलो मैं तीनों की जिस्म। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया था, आपको दिखाया यहाँ का नज़ारा, तो अब हम चलते हैं फिर से अपने सफ़र में और फिर वहाँ मिलते हैं। वहाँ देखिए क्या हो रहा होगा जहाँ हम पहुँचेंगे, ठीक है। रात को आज बहुत बड़ी पूजा होगी, मंडाण लगेगा, तो उसमें आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं आगे वीडियो में, ओके। ये सतपुली की चली गई, बाय बाय सतपुली। ये मतगांव है? नहीं ये तो खड़ेती है। ये खड़ेती है, और अब हम ये पहुंच चुके हैं और हमारे गांव वाले भी सब भैया बब्बू भी अभी हाँ बढ़िया कुछ ये छोटू भाई और ये हमारे जमेली गांव का झंडा है ना, और ये हमारे गांव का झंडा है, जमेली गांव का झंडा है। हाँ जमेली के प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Yeah.
हमारे बुनियाल किसान सदन, बुनियाल सदन, बुनियाल सदन सीधा जात लेके और पैदल मार्च करते करते ढोल ढमाके साथ में जात लेके तुंगनाथ देवता के दर्शन करने इसमें पहुंच रहे हैं। और बहुत रात को बहुत बड़ा मंडान लगेगा वहाँ, रात को पूरा मंडान लगेगा। अभी पैदल चलते चलते लगभग हम 3 किलोमीटर पहाड़ी में चढ़ के आ गए हैं। अब रोड मिल गई है, रोड के साथ साथ पूरे लोग नाचते गाते खुशी के साथ में। रोड छोड़ दे, आ जा रोड। ये हमारे 12 साल की पूजा मानी जाती है। हर 12 साल में पूजा पूरे परिवार सहित बुनियाल परिवार जहाँ भी स्थित है गढ़वाल के अंदर पूरा बुनियाल परिवार सम्मिलित होता है। ये ग्राम सभा जमेली से लाइव रावत गुसाई गुसाई ये हमारे ग्राम सभा की लड़की है। हमारे पुत्री श्री प्रेम सिंह रावत, हमारी पोती है, पोती रावत जी सबसे बुजुर्ग आदमी हमारे साथ लगभग 78 साल। ये देखो 78 साल के बुजुर्ग, हाँ मैं बनाती हूँ ना यहाँ से, 78 साल के भी बुजुर्ग पैदल चल के तुंगनाथ देवता के दर्शन के लिए जल्दी से जल्दी उनकी भी मनोकामनाएं पूरी करें जितनी बची बची हैं। मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब हम यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे और कहाँ तक करेंगे देखो, वो गांव जो है वो यहाँ तक है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो गाड़ी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं और हमें इससे भी आगे जाना है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाती रहूँगी, आप वीडियो में बने रहिए। ममता चलते रहो चलते रहो। अच्छा अभी हम यहाँ पर हैं और हमें जाना है वहाँ जहाँ आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, वहाँ हमें जाना है। देखो घूम करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ जाना है हमें इस गांव में। जलपान की व्यवस्था कैसी रही? मज़ा आ गया। ये बढ़िया है, हिसाब किताब आराम से दर्शन होते रहेंगे ना इतनी दूर से। आए
लाल रावत होते हैं वो हमारे जो शिवांश जो शिवकांश हमारे जो मैं मंदिर आपको वहां से दिखा रही थी ये मंदिर देखो ये है और हम यहां 12 वर्ष में फिर बाकी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे और आगे का समय दिखाते रहेंगे अभी आप भीड़ देख रहे होंगे अभी सुबह के टाइम पे फिर वही भीड़ है जो रात को थी सबकी पैर ये देखिए यार किसमें जाएंगे यार मेरा